है। जब कृष्ण ने ना अपने सखाओं को बोला ना, तो वो कहते हैं कि अरे यार तुमको पता नहीं, मैंने पूतना को मारा, सबके सामने मारा। अच्छा, हमें मत सिखाया करो, समझे? वो पूतना तो मरी भी क्योंकि यशोदा माता की प्रार्थनाएं इतनी स्ट्रांग थी। अरे अघासुर को मारा ना, तुम लोग सब उसके मुंह में घुस गए थे, मैं फिर जाके निकाल के लाया। ओ भाई रहन दो, हम सब कुछ कर चुके थे, तुम आए बस जरा सा कर दिया और सारा क्रेडिट खुद ले गए। अरे यार गोवर्धन उठाया था ना भाई, सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन जी को इतना खिलाया, इतनी पूजा करी, उससे प्रसन्न होके गोवर्धन जी जो हैं स्वयं अपने आप लाइट वेट हो गए, हल्के हो गए, और तुमने आके उस उंगली लगा दी, सारा क्रेडिट ले गए। तो डाउट हो सकता है ना, इसलिए नौ स्कंद हैं, नौ स्कंद इसलिए हैं, पूरा चार्ट ये इसलिए यहाँ लगाया है कि आप समझो कि ये कोई साधारण। अच्छा ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं 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 मेरे को तो डाउट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ब्रह्मा को नहीं हुआ क्या? हम ब्रह्मा से ज़्यादा महान हैं, ब्रह्मा जी को डाउट नहीं हुआ, इंद्र को डाउट नहीं हुआ? जब ब्रह्मा को डाउट हो सकता है, इंद्र को डाउट हो सकता है, तो हमें क्यों नहीं हो सकता? हमें डाउट होगा तो ये भी नहीं पता होगा कि हमें पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि हमें नहीं पता। ये इतना बड़ा चार्ट उस ऐश्वर्य को दिखाने के लिए है, हम उसको समझें ना, कि ब्रजवासियों की महिमा क्या है ना, ब्रजधाम की महिमा क्या है। ये ब्रजधाम जिस पे भगवान बिना चप्पल के चलते हैं, उस ब्रज की धरती में उन चरणों के निशान हैं ना, ये वही चरण